वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन। दोस्तों, जैसा कि अभी अभी न्यूज आया है कि रेलवे भर्ती बोर्ड 2018 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें आपका ALP जो है असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन, उसका एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ऑफिशियल दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। और एक बात आप लोग और याद रखना कि आप सब लोगों को पता चल चुका है कि एग्ज़ाम का डेट आप लोगों का कब होगा। तो आप लोगों का जब एग्ज़ाम का डेट है, उसके ठीक 4 दिन पहले आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। अभी सब लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर सकते हो। जिसका 15 को एग्ज़ाम है वो 11 को करेगा, जिसका 20 को एग्ज़ाम है वो 16 को करेगा। कैसे, वो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गूगल खोलते हैं। और गूगल खोलने के बाद हम लोग देखो गूगल पे जाते हैं सबसे पहले। और गूगल पे जाके आप लोग RRB अहमदाबाद के साइट पे जाना। कहाँ जाओगे आप लोग, RRB अहमदाबाद, अहमदाबाद आप लोग सर्च करना। ठीक है, जब आप लोग RRB अहमदाबाद का ऑफिशियल साइट सर्च करोगे तो आप क्या देखोगे कि देखो यहाँ पे एक नोटिस आया हुआ है आप लोगों का, जिसमें कि एक मिनट खोलने दो। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है कि ई कॉल लेटर के दिनांक संबंधी सूचना, नोटिस फॉर ई कॉल लेटर डेट्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। और जब सेलेक्ट करोगे आपका, तो डाउनलोड होकर के एक पेज खुलेगा। ये पेज आप लोग देखो क्या है, इस पेज में जो है सो आपका डेट दिया हुआ है। इस पेज में आप लोगों का क्या दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है। जिसका 9 को एग्ज़ाम है उसका जो है सो 5 को एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, जिसका 10 को एग्ज़ाम है उसका 6 को, जिसका 13 को उसका 9 को, जिसका 14 को उसका 10 को, ऐसे आप लोग समझ जाना। जिसको 31 अगस्त का जिसका एग्ज़ाम है उसका 27 अगस्त को, ऐसे करके आपका 4 दिन पहले एग्ज़ाम से 4 दिन पहले जो है सो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। और ये लिंक जो है डाउनलोड का, वो जो है सो 31 अगस्त तक एक्टिव रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये डीएक्टिव हो जाएगा। वैसे भी उसके बाद लिंक लेकर के आप लोग करोगे क्या, ठीक है। तो इतना चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया। और लिंक जो है डाउनलोड का, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसे डाउनलोड करना है। एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दिखेगा, वहाँ से आप लोग क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। अगर वहाँ से भी अगर आपको ना समझ में आए, तो तीसरा ऑप्शन, सब लोगों का मेल आईडी होगा, आप लोग अपना मेल चेक करो। रेलवे ने सबके मेल आईडी में जो है सो लिंक भेजा है, तो वहाँ पे भी आपको लिंक पे क्लिक करके आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने 3 ऑप्शन बताया, एक साइट खोल करके करो, दूसरा मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है वहाँ से करो, और तीसरा आपके मेल में RRB ने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है वहाँ से आप लोग चेक करो। ठीक है, तो ये हम लोगों का काम समाप्त हो गया। देखो यहाँ पर भी लिंक दे दिया है, तो यहाँ पर भी क्लिक करके आप लोग कर सकते हो। लेकिन मैं आपको फिर भी दिखाता हूँ कि हम लोग कैसे करेंगे। देखो, यही आपका RRB अहमदाबाद का साइट है। आप कोई भी रेलवे का साइट खोलना, RRB इलाहाबाद खोलना, कोई भी खोलना, लेकिन मैं अहमदाबाद इसलिए दिखाया कि ये जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डेट दिया हुआ है, ये अभी RRB इलाहाबाद पे नहीं आया है, अहमदाबाद पे आ गया है, इसलिए मैं आपको अहमदाबाद से दिखाया। ठीक है, चलो देखो, लॉगिन लिंक फॉर ई कॉल लेटर, ये देखो सबसे ऊपर वाला लॉगिन लिंक फॉर ई कॉल लेटर, देखो ये वाला लॉगिन लिंक फॉर ई कॉल लेटर एग्जाम सिटी, सबसे ऊपर वाला, इसको हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, मतलब इसको अब हम लोग खोलेंगे। ठीक है, चलो इसको हम लोग खोलते हैं। इसको जब आप लोग खोलोगे तो देखो ये आपका आ गया, ये आपका आ गया कैंडिडेट लॉगिन। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना है। आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालना और डेट ऑफ बर्थ डालना। चलो मैं एक डाल करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो मैं जो डाल रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखो, आप लोग अपना डालना, ये मत डालना, ठीक है। 096, ये हो गया आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में हम लोग क्या डालेंगे, जो आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ होगा आप लोग वो डालना, ठीक है। जो आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ होगा आप लोग वो, ये खुल गया अपना। तो इसको जो है सो देखो, ये एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम आ गया और पिता का नाम आ गया। यहाँ पे आपका एग्ज़ाम सेंटर वगैरह सब कुछ है, आप देख लेना ये सारा चीज़, ठीक है। आप लोगों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बस एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन है, ये एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन है आप लोगों का। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को ई कॉल पे क्लिक करना पड़ेगा। एडमिट कार्ड डालने के लिए आप लोगों को, एडमिट कार्ड निकालने के लिए आप लोगों को ई कॉल लेटर पे क्लिक करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ई कॉल लेटर पे क्लिक करेंगे। जब ई कॉल लेटर पे जैसे ही क्लिक करोगे, तो आप लोगों को क्या करना है,
यहाँ पे असेसमेंट में जाकर के रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को सेलेक्ट करना है। और जब ये सर सेलेक्ट करके आप लोग इसको सर्च करोगे, इसको आप लोग सर्च करोगे तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, एडमिट कार्ड का ये पेज आ जाएगा। यहाँ पे देखो आप डाउनलोड का सिंबल आपको दिखेगा, यहाँ पे देखो आप डाउनलोड का आपको सिंबल दिख रहा है, ये डाउनलोड का। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तो इसको हम लोग डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। और डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक करोगे आप लोग, तो देखो ये फाइल एक डाउनलोड आपका हो जाएगा आपके मोबाइल में या लैपटॉप में, जहाँ भी करोगे। तो ये आपका एडमिट कार्ड जो है सो ओपन हो गया, ठीक है। ये आपका एडमिट कार्ड ओपन हो गया। इसका इंस्ट्रक्शन आप लोग पढ़ लेना कि रिपोर्टिंग टाइम क्या है, गेट बंद होने का समय क्या है, परीक्षा आरंभ होने का समय क्या है, ये सब आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। और इसमें एक चीज़ लिखा हुआ है कि यहाँ पे अपना कलर फोटो आप लोगों को चिपकाना है, यहाँ पे आप लोग कलर फोटो अपना चिपका लेना यहाँ पे। और उसके बाद एक चीज़ क्या लिखा हुआ है कि आप लोगों को जो है सो एक ओरिजिनल आईडी कार्ड लेकर के जाना है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा सा भी मिस्टेक करोगे एग्जाम छूट जाएगा। और अभी अभी आप लोगों के मेल पे भी नोटिस आया होगा कि रेलवे ने एग्जाम का सेंटर जो है सो इतना दूर क्यों दिया है। देखो बिहार से 9 लाख लोगों ने और यूपी से 9.5 लाख लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था, और बिहार से 9 लाख लोगों ने फॉर्म फिलअप किया, और उतना तो एग्जाम का सेंटर का कैपेसिटी है नहीं अपने बिहार में। तो क्या किया गया कि जिन लोगों ने पहले फॉर्म भरा था उनको उनके चॉइस के हिसाब से कोशिश किया गया है 500 किलोमीटर के अंदर सेंटर देने का, और जो जिन लोगों ने लास्ट में भरा था उन लोगों को दूर भेज दिया गया है। तो ये रेलवे ने क्लियरिफिकेशन दिया है। आप सब लोग अपना मेल चेक करना, सबके मेल पे आप लोगों को मिल गया होगा। बस इतना था, आप सब लोग समझ गए होंगे कि कैसे करके हम लोगों को करना है एडमिट कार्ड डाउनलोड, ठीक है। चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहाँ से ही आप लोग ना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो, काफ़ी आसानी से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। चलो तब तक आप लोग अच्छे से रहो और मन से जो है सो एग्ज़ाम का तैयारी करो, ठीक है। चलो बाय, थैंक यू।